हेलो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट में आखिर है क्या, क्या हमें सीखना है, क्या हमको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, बड़े ही ध्यान से देखिए, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल वर्ड में आपको समझाया जाएगा। आप उसको समझने की कोशिश करें, बुक की लैंग्वेज हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए देखिए देखिए देखिए, ये है हमारे मिस्टर, ये है हमारे मिस्टर एक्स। ठीक है, ये है हमारे मिस्टर एक्स। ये क्या करते हैं, एक बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। आप सबको पता है बिजनेस क्या होता है, कोई नई बात तो नहीं है। ठीक है, ये बिजनेस चलाते हैं, इनका बिजनेस है स्टेशनरी का। मान लो स्टेशनरी का इनका बिजनेस है, या इनकी स्टेशनरी की एक रिटेल शॉप है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होगा। पता है, हर साल ईयर एंड में, क्या होगा, इस मिस्टर एक्स को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। कैसी इंफॉर्मेशन? देखिए, पहली इंफॉर्मेशन कि इस साल, या जब ये ईयर एंड हुआ, क्या प्रॉफिट या लॉस इन्होंने गेन किया, पहली इंफॉर्मेशन होगी कि क्या इन्होंने प्रॉफिट किया गेन या लॉस किया। सबसे पहली बात तो ये हो गई। फिर देखिए, ईयर एंड में इन्होंने क्या प्रॉफिट और लॉस कमाया। ठीक है, दूसरी बात कि इन्होंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना रहा। कैपिटल मतलब, अभी के लिए आप इतना समझो कि ये जो मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपना, तो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में वो कितना लगाया, और ईयर एंड हो गया, साल एंड हो गया, तो अब वो कितना है। ठीक है, चलिए दो बातें होगी। तीसरी बात, लोगों को कितना पैसा देना है, भाई बिजनेस है, हो सकता है कि कुछ लोग बिजनेस से पैसा मांगते हो, तो कितना लोगों को पैसा देना है, कितना लोगों से पैसा मिलने वाला है, अमाउंट रिसीवेबल। ठीक है, कितना लोगों से पैसा मिलने वाला है, और बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सारे क्वेश्चन मिस्टर एक्स के दिमाग में घूमते हैं। क्या, जरा देखिए मैं फिर बोल दूं, मिस्टर एक्स थे, इनका बिजनेस स्टेशनरी का, हर साल ये क्वेश्चन इनके दिमाग में रहते हैं, क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया, किन्हीं लोगों को पैसा देना है, किन किन लोगों से पैसा लेना है, बिजनेस की क्या पोजीशन है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये फुलफिल कैसे होंगे, जब ये मिस्टर एक्स, ये जो भी ट्रांजैक्शन है उनका क्या करेगा, ये जो ट्रांजैक्शंस है वो क्या करेगा मिस्टर, ये रिकॉर्ड करेगा। जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन, अगर मैं सिंपल में बोलूं तो इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं लेन देन। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, इन सवालों के अगर जवाब चाहिए तो ये जो ट्रांजैक्शन है
मिस्टर एक्स क्या कर लेगा, उनको रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है, उनको रिकॉर्ड कर लेगा, अगर मैं बोल दूं सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर लेगा, उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर है बस यही क्या है, अकाउंटिंग, ये क्या है अकाउंटिंग, और इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। ये जो भी प्रोसीजर था ये था आपका अकाउंटिंग, और इस सब्जेक्ट को बोलते हैं अकाउंटेंसी। बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में है, अभी हम बुक की लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे। चलिए मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या समझ में आ गया होगा, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। बिजनेस के एंड में ये सभी क्वेश्चंस मिस्टर एक्स के दिमाग में थे। इन सभी क्वेश्चन के अगर जवाब चाहिए मिस्टर एक्स को, तो वो क्या करेगा, सभी ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन हुए हैं उनको क्या करेगा, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेगा, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेगा। बस ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना ही क्या है, ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग, ठीक है, जिससे हमें ये पता लग जाए कि मिस्टर एक्स से कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन है, ठीक है। चलिए ये आता है सब हमारा अकाउंटिंग के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जहां आपको कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह सिखाई जाएगी। थैंक यू।